बारिश और ओलावृष्टि से उत्तराखंड में किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके आंकलन के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस तरह से मुआवजा दिया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर गहनता से चिंतन मंथन हुआ। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में 35,618 हेक्टेयर कृषि भूमि में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि प्रदेशों में 82,260 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनको मुआवजे का इस बीमा योजना के माध्यम से दिया जाएगा। उद्यान के क्षेत्र में फलों उत्पादन करने वाले किसानों की संख्या 71,537 है। इन किसानों को भी इस बीमा योजना में समाहित किया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और जल्द ही सरकार किसानों की फसल का मुआवजा बीमा योजना के जरिए दे देगी। अतिवृष्टि से जो क्षति हमारे प्रदेश में फसलों की हुई है, उसका क्षेत्रफल 35,618 हेक्टेयर है और उस क्षति के क्षेत्र में से जो आपदा के मानक हैं कि 33% से अधिक अगर क्षति होती है तो उसके मानक में आते हैं, उसका क्षेत्रफल 7,403 हेक्टेयर है और इनको तो हम आपदा के मानक के अनुरूप इनको हम मुआवजा देंगे। इसमें असिंचित क्षेत्र हेतु 8,500 प्रति हेक्टेयर और न्यूनतम 1,000 रुपये राहत राशि है। सिंचित क्षेत्र हेतु रुपये 17,000 प्रति हेक्टेयर व न्यूनतम 2,000 है। फलदार पौधों के लिए 22,500 प्रति हेक्टेयर व न्यूनतम 7,500 है। रेशम कीट पालन के लिए 6,000 प्रति हेक्टेयर व 7,000 मुआ के लिए 7,500 प्रति हेक्टेयर है। और हमारे जो कृषि में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 82,260 किसान उसमें आच्छादित हैं और उसमें चाहे कितना भी नुकसान हो उसमें कवर होता है, उनको वहां से मुआवजा दिलाया जाएगा। इसी प्रकार औद्यानिक फसलों में इसमें 71,537 लोगों ने इसका बीमा किया है, उनको वहां से मुआवजा दिया जाएगा। इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ सरकार खड़ी है, लगातार हमारे अधिकारी उनके संपर्क में हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आंकड़े मेरे पास आ गए हैं और इससे पहले में लगातार पूर्व 31 तारीख तक के आंकड़े हमारे पास आए थे और आज पूरे आंकड़े जो हुए मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा क्योंकि 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर है, 11, 12, 13 को कोसाम की एक